देश के चौथे थंब के वजो जाने जाते पत्रकारों के लिए अज का समा पत्रकारी करनी बहुत महंगी पै रही है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों के लिए बेहद मुश्किल समा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पत्रकार हैंकड़बाजा की भेंट चढ़ जाता है, जिसकी ताजा मिसाल उस वेले वेखण नूं मिली है जदों बीते दिन ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कैबिनेट मीटिंग करके तेजी दे नाल बाहर निकले तां वड्डी गिणती विच मौजूद पत्रकारों ने सूबे के मौजूदा राजनीतिक हालात नूं जानण दे बारे उन्हां तों सवाल कीता। मंत्री जी दे रखिया अमले दे कर्मचारी पत्रकारां दे नाल उलझ पए अते धक्का मुक्की उपरंत कुटमार ते उतरे आए अते हंकारे उप मुख्यमंत्री। यह सारा तमाशा खड़े देखते रहे, एक बार भी उन्हां अपने रखिया मुलाजम नूं रोकण दी कोशिश तक नहीं कीती। इस घटना नूं लैके पूरे देश दे पत्रकार भाईचारे दे विच रोस पाया जा रहा, जिस नूं लैके अज फरीदकोट दे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर एसोसीएशन दे वल्लों बिहार दे उक्त मुलाजमा दे विरुद्ध कारवाई करके इंसाफ लैण लई अते दूजा पत्रकारां दी सुरक्षा दे लई कानून बनाए जाण दी मंग नूं लैके देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाम ते जिले दे डिप्टी कमिश्नर राजीव प्रासर नूं एक मंग पत्र दित्ता है। बीते दिन बिहार में जो एक राजनेता की तरफ से जो एक प्रोग्राम के दौरान उनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछे थे, जिसके बाद जो है उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनकी तरफ से मीडिया से बदसलूकी की गई और कुछ एक पत्रकारों को मारा पीटा भी गया है, जहाँ तक सुनने में मिला है। इस सभी का रोष प्रकट करते हुए फरीदकोट के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समूह मेंबर हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र दिया है, जिसमें कि बताया गया है कि पत्रकार जो हैं रोजाना ही अपने कार्य जो फील्ड में करते हैं और आए दिन ही उन पर किसी न किसी तरीके से हमला किया जाता है, जिसको लेकर पूरा पत्रकार भाईचारा आज बेहद चिंतित है। तो आज हम सब लोग फरीदकोट के जो समूह पत्रकार हैं अपील करते हैं कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे कि जो पत्रकार है बेडर होकर निडर होकर अपना कार्य कर सके। मैनू अपना मंग पत्र दिता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, ये असं अज इन फॉरवर्ड कर देंगे, पहला काम फिर उन्होंने। फरीदकोट तो सूरज प्रकाश की रिपोर्ट, जगत सेवक, वेब टीवी।